हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर है। प्रोडक्ट डिजाइन में जैसे अपना क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। बेसिकली ये जो कंपोनेंट है, ये आपका कार पुंटो है, उसकी कॉम्पोनेंट है जो रियर लैम्प है। तो इसकी जो मैं आपको रील दिखा देता हूँ, जो फ्रंट व्हील है, आप देख पाओगे, समझ गया हो कौन से वाले मॉडल का है। तो इस मॉडल का जो है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, लिप्टर लगने वाला है ना, नौ लिप्टर लगने वाला है। और यहाँ पे जो है कॉम्पोनेंट में, बाहर में एक सराउंडिंग में कॉम्पोनेंट आएंगे, ठीक है। इस कॉम्पोनेंट को लॉक करने के लिए मुझे यहाँ पे स्नैप्स बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्नैप्स बना रहा हूँ। तो उस स्नैप्स को जो मेरा बाहर का कॉम्पोनेंट है, उसमें कुछ मॉडिफाई हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, जो मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मॉडिफाई है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्नैप्स लगाना पड़ रहा है बाउंड्री बाउंड्री में। मैं इसकी स्नैप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्नैप्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम स्नैप्स लगाते हैं, बेसिकली तीन टाइप का स्नैप्स होता है ना, एनुलर होता है, कैंटिलीवर होता है और टॉर्जनल होता है। तीन टाइप का हम स्नैप्स यूज करते हैं। लेकिन जो मैं स्नैप्स यूज करूंगा दूसरा वाला के साथ, जो मैं स्नैप्स से इसको लॉक करूंगा, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जो है सराउंडिंग वाला पार्ट को, इस पार्ट से जो मैं लॉक करूंगा, उस लॉक करने की वजह से यहाँ पे मेरे को लिप्टर जो है चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वल है। तो इस केस में मैं किसको कैसे अरेंज करूंगा, पार्ट में कैसे मॉडिफाई करूंगा, जो ये वाला वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। क्योंकि जो मेरा पार्ट है, इसको मुझे देखना है कॉस्ट इफेक्टिव में देखना है, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है ऑटो वायल में। जब आप पार्ट की आइटरेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, दूसरे वाले कंपनी और दूसरा जो पार्ट ऑलरेडी मार्केट में है, उसके साथ आपका बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। तो उस केस के हिसाब से आपको कैसे करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, किस तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहता है, क्योंकि मैं सारा क्लास जो होता है मेरा प्रैक्टिकल मोड पे चलता है, जो भी मैं बनाऊंगा लाइव का आपको सिखाऊंगा। तो जितने भी ऑलरेडी स्टूडेंट ज्वाइन किया है, जो भी लाइव क्लासेस में रहता हूँ, तो इसमें मैं ऐसे कंपोनेंट में काम करवाता हूँ और प्रैक्टिकली करवाता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या ठीक करना पड़ेगा, सारा चीज़ें कैलकुलेशन से बताऊँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, पहले हम जो पार्ट को वैलिडेशन करेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकता है, बेहतर हो सकता है, उसके करेंगे। उसके बाद हम इसको मोल्ड डिजाइन में ले जाएंगे। तो अभी जो है आपको मैं कैसे इसको ठीक करना है, क्या क्या चीज़ें चेंज करना है, उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मेरे को ये डिसाइड करना है, जो भी मेरा स्नैप्स है आप देख पाओगे, तो यहाँ पे पहले जो पार्ट को हम देख लेते हैं। जो पार्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिप्टर रहेंगे बाहर से, ठीक है। मैं लिप्टर जो है अंदर से नहीं लगाऊंगा, मैं बाहर से लिप्टर लगाऊंगा, क्योंकि अंदर से मेरा एरिया कम है, मैं लिप्टर लगाऊंगा इधर बाहर से। तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बाहर बाहर का मेरा लिप्टर लगा हुआ है। इन केस में यहाँ पे भी मेरा स्नैप लगानी है, क्योंकि ऊपर से एक पार्ट आएगा जिसको जो है ये फिल करेगा, मतलब यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आने वाला है। तो वो कंपोनेंट जो है अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है, कुछ आरएनडी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर ये डिजाइन लीक हो जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये मास्टर पार्ट है, इसको अकॉर्डिंग हम जो है दूसरा पार्ट मॉडिफाई कर रहे हैं। और इसके हिसाब से जो हमने यहाँ पे लॉक बना रखा है, इस लॉक को मैं थोड़ा सा चेंजेस करके अलग तरीके से लॉक बनाने वाला हूँ, ठीक है। और जो ये स्नैप्स लगेंगे, तो यहाँ पे स्नैप्स जो है लगाना जरूरी है। लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है हम इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए यहाँ पे मैं अलग से लिप्टर लगाऊंगा, तो लिप्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे चलाने के लिए, लिप्टर के लिए जगह नहीं है। इस लिप्टर को चलाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं किस तरफ से इसको रिलीज करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिप्टर है कहीं पे, जगह नहीं है, तो इस केस में आपको पार्ट को कैसे चेंज करना है, तो ये वाला वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। आप देख पाओगे यहाँ पे मैं लिप्टर है, तो इसको जो है यहाँ पे लिप्टर है जिसे यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा। ये जो मैं स्नैप है ऑलरेडी बना रखा है, स्नैप को चलाने के लिए जो लॉक आएंगे, जो यहाँ बाहर का जो कॉम्पोनेंट आएंगे, तो इसको मैं कैसे फिट करूंगा, ठीक है। तो देखो, बेसिकली जो हम स्नैप फिट लगाते हैं वो तीन टाइप के होता है। अगर आपको स्नैप फिट के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। बेसिकली ये फिट के लिए आते हैं, हम जो लॉक करते हैं इसलिए स्नैप फिट लगाते हैं। इसमें प्लास्टिक कंपोनेंट में जो स्नैप फिट होते हैं, तीन टाइप का होते हैं। जिसको जिसको पता है कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में। और अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइन के इसी रियल वीडियोज चाहिए, कोई असेंबली है जिसको मुझे पूरा बनाने के साथ, डायमेंशन के साथ एक अलग अलग वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर रेस्पॉन्स सही रहेंगे तो मैं उसके भी वीडियो डाल दूंगा। और जिसको भी मोल्ड डिजाइन वगैरह की क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, ऑलरेडी मेरा मोल्ड डिजाइन जो है डाई डिजाइन ही है, हर तरीके से क्लास चलता है। आप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेगुलर क्लासेस चलता है, रेगुलर प्रोजेक्ट वगैरह चलते रहते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह में भी स्टूडेंट से भी करवाते हो, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है उसमें भी आपको पता लग जाएगा क्या गलती करती हो। जो लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपको पता लग जाएंगे मैं गलती क्या कर रहे हो और आपको क्या सीखना है, किस तरीके से कमर्शियल काम होता है। तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट में भी काम करवाता हूँ। तो मेरे को ये देखना है, तो मेरा कंपोनेंट है इसको मैं कैसे बनाऊंगा। तो स्नैप फिट है पहला, तो स्नैप फिट है इसको मुझे अलग करना है, क्योंकि मैं अभी तो इसको ज्वाइन नहीं करा, इसको मैं यूनिट नहीं करा इस स्नैप्स को। अब मुझे पूरा कंपोनेंट है इसको लॉक करने के लिए एरिया एटलीस्ट मेरे पास कितना चाहिए, जिसको इतना लॉक हो जाए, ठीक है।
तो लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है एक आपको सिंपल तरीका सिखाता हूँ, बाउंड्री बॉक्स से बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। सर्विस से बनाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पे अगर पार्ट ऐसे लाइन नहीं मिलता है तो उस केस में आपको ये लेना पड़ेगा, तो ये वाला सरफेस लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ वाला सरफेस लेते हूँ क्योंकि तो मेरा जो स्नैप्स है यहाँ पे मास्टर्स है, और मेरा स्नैप जो है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे यह पार्ट डिजाइन करना है। क्यों इसके अकॉर्डिंग पार्ट डिजाइन करना है, क्योंकि स्नैप से मैं मास्टर लेके काम करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा घुमा के ये वाला एज भी ले लेना है, ठीक। अब उसके बाद मेरे को करना क्या है, जब आप स्नैप बना लो, स्नैप को अलग से बना लेना, यूनिट मत कर लेना। सबसे पहले यूनिट नहीं करना है आपको। यहाँ पे यहाँ से मैं इसको 5 mm के डिस्टेंस में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो फिट है अराउंड में 5 mm की डिस्टेंस में रख रहा हूँ, ठीक है। 5 mm, 3 mm से ज़्यादा रखना है आपको, मैं यहाँ पे 5 mm रख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है इसकी राउंड वैल्यू होना चाहिए, क्लियर है ना ये, क्योंकि जब भी इसके लिए आप इंसर्ट विंसर्ट बनाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा राउंड वैल्यू रखोगे तो। ये होती है जो ऑटोमोबाइल पार्ट होती है उसके ऊपर कैसे काम करना है, तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे लेके इसको मैं इस फेस तक रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद जो ये वाला फेस है, जो आपका अंदर वाला फेस है, ये जो अंदर वाला फेस है, इस फेस को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना आप। इस फेस को ले आना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इस फेस को इसके अकॉर्डिंग ले आया, और जो आपका ये फेस है, इस फेस को इस फेस के अलोंग ले आना है। अब देखोगे तो इस तरीके से जो है आपका जो एक इंसर्ट बन गया है, ठीक है। तो इंसर्ट बन गया है, इंसर्ट को कैसे बनानी है, इस तरीके से आपको इंसर्ट को बनाना है। आप देखोगे मेरा जो इंसर्ट है बहुत बड़ा है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ से जो है इस पार्ट से जो आपने स्टेप अलग से बना रखा है इसको यूनिट मत करना है। यूनिट कर दोगे तो ये होगा नहीं फिर तो। इसको कीप टूल करके इसको ऑन करके इसको सबट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब सबट्रैक्ट करने के बाद मेरा जो है स्नैप तो मेरे को मिल गया है। अब इसके बाद जो है इसको मैं सिंपली सबट्रैक्ट कर दूंगा। सबट्रैक्ट करने से देखो मेरा पास जो ये आपका टूल है इसको मैं कर देता हूँ हाइड, तो मेरा जो कीप टूल है वो हाइड हो गया। अब मेरा इसके ज़रूरत है नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप बाहर से देखोगे जो मेरा कॉम्पोनेंट है ये आराम से ये फिट हो जाएगा। देखो इसमें मैंने जो है राब भी ऐड हो रखा है। अब बात आते हैं आपकी जो कॉम्पोनेंट है, ये जो रेडियस है, इसको चाहिए या नहीं चाहिए। ये मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली जो है या ये वाला सिलेक्ट करेंगे, के बाद जो है आपको ये वाला फेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो आपका फेस है, इस फेस को आप रिप्लेस करके आपको क्या करना है, इस फेस तक ले आना है। बहुत बढ़िया बढ़िया मैं ट्रिक्स देने वाला हूँ आपको, ये मिस मत करना। इसको हम जो है 1 mm जो है आगे ले आते हैं, ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये आपका काट जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करके ये वाला फेस को इस जो अंदर वाला जो ये एज फेस है इसके साथ आपको रिप्लेस कर देना है, लाइक दिस। सिमिलर आपको ये भी जो फेस है, ये जो फेस है आपको आपको घुमाने का जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आके ये वाला फेस को लेके ये जो है तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा जो काम चल रहा था, प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, तो कुछ दिन से। अगर आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें ये सब चीज़ें आपको सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मेरे प्रोजेक्ट में भी आप काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी देख सकते हो, मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं प्रोजेक्ट में देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं लेके काम करता हूँ, है ना। तो सारा चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको जो है मैं इसको सबट्रैक्ट करना है, मुझे इसको सबट्रैक्ट करना है। किससे सबट्रैक्ट करना है, इससे। अब इसको पिक्सल को हटा देते हैं तो आपका ये जो रेडियस है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो पार्ट है दूसरा वाला पार्ट, तो यहाँ पे मैं इन करूँगा। इन करने के बाद जो यहाँ पे मेरा स्नैप्स रहेगा, मैं स्नैप को ले आता हूँ। अब जो है मैं स्नैप्स को यूनिट कर दूंगा। तो अब बताओ मुझे आप, मेरा जो यहाँ पे लिप्टर वाला काम है वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं आराम से जो है इंसर्ट से काम चलाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसर्ट लगाऊंगा और जो मेरा स्नैप्स होगा यहाँ पे दूसरा स्नैप जो है आराम से ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है काम करना है। ये जो मैंने 5 mm का रखा है ये डिपेंड करता है जो दूसरे वाला प्रोडक्ट है वो उसके साथ कितना कितना फिटमेंट आपको कितना रखना है, टॉलरेंस कितना रखना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है।
दूसरा वाला प्रोडक्ट भी कुछ कॉन्फिडेंशियल है जो काम कर रहा है अभी, डिजाइन वगैरह मैं इसमें शो नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आपको समझ में आ गया किस तरीके से काम करना है, ड्राफ्ट वगैरह ऐड कर देना है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्नैप से आप देख पा रहे हो, स्नैप से हल्का सा ये आगे आ रहा है, इसको जो मैं क्या करूंगा, ये दो फेज, दोनों फेज जो है इसको मैं इसकी अकॉर्डिंग जो है ये फिट कर दूंगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको बनाना है, कहीं पे लाइन वगैरह नहीं लेना है, स्मूथ रखना है एकदम। तो ये मेरा इस तरीके से आपको मैं बनाऊंगा। अब जैसे मेरा ये वाला पार्ट है, अगर मुझे यहाँ पे इसको फिट करना है, तो फिट करने के लिए आपको पहले जो इसकी टेंजेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। टेंजेंसी मेंटेन करके इसको मैं क्लोज करूंगा, उसके बाद जो है इस तरीके से आपको स्नैप बनाना है। आप मुझे ये बताओ, ये वाला स्नैप जो है बहुत वीक है, बहुत वीक है, ये मेंटेन करना दिक्कत है, लेकिन ये आराम से मेंटेन हो सकता है, ये वाला आराम से मेंटेन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना आपको किस तरीके से आपको स्नैप बनानी है। तो स्नैप बनाओगे मेंटेनेंस फ्री हो, मतलब कम जो है मेंटेनेंस में जाए मोल्ड, इस तरीके से आपको बनाना है। बेसिकली ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है जिससे आपका लाइट्स होते हैं, जैसे बम्पर की साइड में जो लाइट्स होती है फॉग लाइट्स, तो उसकी पार्ट है ये, ठीक है। वो तो जो लैम्प हाउसिंग होती है इसको बोलते हैं हम लैम्प हाउसिंग, ठीक है, पीछे का जो लेयर है लैम्प हाउसिंग है। इस तरीके से आपको बनाना पड़ सकता है, कभी भी कंपोनेंट में आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर, एज ए मोल्ड डिजाइनर, कुछ भी कंपोनेंट में आपको बाद में किसी भी कंपनी में जाते हो तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या सोचोगे स्नैप्स का, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जो हमने स्नैप बनाते हैं स्नैप की क्या टाइप्स होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं है इसके बारे में अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, और उसके कैलकुलेशन के साथ में अलग से वीडियो डाल दूंगा। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है तो वो क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से मैं कंपोनेंट में प्रैक्टिकल कराता हूँ। अभी इसकी जो है मैं मोल्ड डिजाइन करने वाला हूँ, तो मोल्ड डिजाइन में सिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे लिप्टर लगाना है, लिप्टर को मैं सपोर्ट कैसे दूंगा, कैसे चलाऊंगा मैं, मेरा कितना अंडर कट है, इसको कैसे रिलीज करना है, इसके वाले इसके लिए कैसा लिप्टर होगा। अगर मान देख पा रहे हो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 लिप्टर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे 8 लिप्टर है, तो यहाँ पे 1 लिप्टर है, 9 लिप्टर हो गया। तो 9 लिप्टर जो मेरा मोल्ड है उसमें मेरे मेंटेनेंस फ्री मुझे कैसे बनानी है। मान लो ये लिप्टर के लिए मैं जो सपोर्ट दूंगा बाहर से दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तो मैं सपोर्ट बाहर से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिप्टर चलते चलते मोल्ड जो है एक टाइम लिप्टर बैठ जाती है, तो इस एरिया में फ्लैश आने का चांस है। इसके लिए मैं अलग मेथड लगाऊंगा जहाँ पे 2 साल बाद वो फ्लैश ना आए, लेकिन इसके लिए मेरे पास क्या है, कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, कोई जगह नहीं है, मेरा लिप्टर बैठे ना, तो इसके लिए अलग तरीका होता है। तो वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। आजकल क्या है, 2-3 मोल्ड बनाने से लोग क्या हो मोल्ड डिजाइनर बन जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, उस चीज़ सीखना है, डिटेल में सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ के कैलकुलेशन पता होना चाहिए, तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप मोल्ड डिजाइनर बन सकते हो, और हर एक चीज़ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप लिप्टर भी बनाते हो, लिप्टर का नीचे का जो ब्लॉक है जो आपकी इजेक्टर असेंबली के साथ स्लाइड होता है, उसकी भी स्टैंडर्ड आती है, तो हर एक चीज़ें आप स्टैंडर्ड में बनाना आपको आना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और स्नैपफिट के बारे में जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में डाल दे, क्योंकि इस तरीके से लोग अगर डालते रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेंगे और मुझे भी आगे जो है बताने में अच्छा लगेगा। अगर वीडियो के रेफरेंस सही आएंगे तो इसके आगे का वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।